सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और ये जो एपिसोड है वो साइंस सिटी का सेकंड पार्ट है। वैसे तो मैं सोचा था कि मैं साइंस सिटी जो है उसको एक ही पार्ट में पूरा दिखा दूंगा, बट सीन क्या हुआ कि जब मैं वीडियो एडिटिंग के टाइम पे बैठा तो देखा कि 2 घंटे का वीडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ था। सो मेरे को अलग अलग पार्ट बनाना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो आपको बोरिंग लगे। सो ये जो है सेकेंड पार्ट है और ये साइंस सिटी का मतलब कोलकाता सीरीज का आखिरी पार्ट भी है। सो प्लीज़ वीडियो बने रहना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और काफ़ी अच्छी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखेंगी। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सुबह काफ़ी हम लोग थक चुके थे तो थोड़ा बहुत आराम किया हम लोगों ने। वहाँ पे चेयर पे बैठे थे हम लोग और पानी वगैरह पिया और फिर यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे अंदर म्यूज़ियम है तो यहाँ पे आपको चल के दिखाते हैं। वहाँ पे देख लो, साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल HPT 32 दीपक। अच्छा, तो ये नाम है इसका और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसका देख लो पूरा, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। और ये देखो मस्त लग रहा है पूरा। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर। अंदर है म्यूज़ियम, ये है गेट इसका। ये है सेलुलर टेक्नोलॉजी 1G 2G 3G 4G, बट ये अभी अंडर मेंटेनेंस है। यहाँ पे MP3 प्लेयर और यहाँ पे कुछ गैजेट्स रखे हुए हैं, जो कैमरा है और क्लॉक है। ये पता नहीं क्या है, ये क्या है? और ये तो शायद रेडियो है, शायद रेडियो है ना, ये रेडियो है ना, वो पता नहीं क्या है। तो ये ह्यूमन जेनोम, तो ये बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा, ये ह्यूमन DNA, तो ये पीजो ईयर का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे है कुछ हर्ट्स है, यहाँ पे साउंड के हर्ट्स है। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये 25 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, 100 हर्ट्स। तो ऐसे करके 20,000 हर्ट्ज तक यहाँ पे दिया गया है। एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी, तो ये देख लो यहाँ पे कुछ पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, जो का तस्वीर है एक्चुअली। द्वारा फर्स्ट सर्जरी किया गया था इन सब औजारों के द्वारा। और ये पुराने ज़माने की म्यूजिक सिस्टम्स, इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पुराने ज़माने के। वैसे तो काफ़ी इसमें से अभी भी यूज़ होते हैं, हालांकि सारा यूज़ होते हैं शायद। ये अभी भी यूज़ होता है, बिंगड़ा बोलते हैं ना इसे, बिंगड़ा बोलते हैं ना शायद। रुद्र बीड़ा यहाँ पे शायद अभी सारा यूज़ होता होगा, अभी भी सारा यूज़ होता है। ये है यार्गो पोर्टेबल कैनन क्लीनर। यहाँ पे कैनन वगैरह मतलब जो पुराने ज़माने के तोप होते थे वो सफाई होती थी यहाँ पे। और यहाँ पे रखा हुआ है कैनन, काफ़ी भारी लग रहा है। तो वैसे हम लोग आ चुके हैं साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल से बाहर। अंदर तो वैसे चल रहा था बट बाहर अभी गर्मी हो रहा है। सो बाहर काफ़ी गर्मी हो रही थी तो हमने यहाँ पे 2 कोल्ड ड्रिंक्स लिया है। तो वैसे यहाँ पे आप देख लो, वहाँ पे गोल गोल बनेगा अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो। देखो पता नहीं वीडियो में दिख रहा है नहीं, हल्का सा बन रहा है। और ये है राइजिंग बबल, अगर यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो यहाँ से धुआं निकल रहा है।
और ऊपर पंखा चल रहा है इसके अंदर। टॉर्नेडो बन रहा है, अगर मैं दबाए रखूंगा तो टॉर्नेडो बन रहा है। देखो बीच में वहाँ पे यहाँ पे है फ्लोटिंग बॉल, तो इधर भी यहाँ पे आ गए हैं और बॉल को हवा में उछाल के देखते हैं क्या इसमें से क्या स्टैंड रह पाता है। ऊपर कीजिए और ऊपर कीजिए और ऊपर। मैं ट्राई करता हूँ आप जाइए, उनसे नहीं हो रहा है। देखो भाई इनसे नहीं हो रहा था, मैंने कह दिया हमें फ्लॉट कर रहा है। देखो भाई इसकी वजह से, देखो हाँ मतलब भाई कुछ भी इनसे ये कंट्रोल नहीं आता, मेरे को बोल रहे हैं मैं बॉल नहीं रख पा रहा था। वेल डन वेल डन। तो गाइस आप देख सकते हैं हम अपनी आवाज को ऐसे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं भाई ऐसे कि ये आज मजा हुआ है हर टाइम पे आपको अपनी बात नहीं। हमारी आवाज बहुत तेज पूरे मतलब क्या कहते हैं हटिए हटिए गूंज रही है, हटिए मैच बजाता हूं। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस हमारे चैनल का नाम है टीम ब्लॉग, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। यहाँ पे आके भी इनको प्रमोशन ही करवाना है। गाइस अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट से, तो यहाँ से दिख रहा है पूरा साइंस सिटी, वहाँ पे है भूलभुलैया और पूरा ये पार्क है ना और एक्सपेरिमेंटल हॉल सारा इधर से दिख रहा है। तो गाइस ये है वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, तो अंदर चलते हैं और अंदर का एक्सपीरियंस लेते हैं। फैंटम डॉट्स, काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स। सारा यहाँ पे इल्यूजन वाला चीज रखा है, बनाया गया है इल्यूजन वाली सारी चीज़ें यहाँ पे। यहाँ पे देख लो हर एक चीज़ गाइस मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग और लंबा बन जाएगा, तो बस आप देख लो, मैं बताऊँगा नहीं, बस आप देख लो। यहाँ पे एक्वेरियम में मछलियाँ भी रखी गई हैं, इसको देखो। सब्सक्राइब कर दो चैनल मेरा। हेलो हेलो नहीं सुन भाई, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी मछलियों को रखा गया है, ये देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। यहाँ पे देखो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, बहुत इतनी छोटी छोटी, देखो ये देखो इतनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। टेट्रा है वो क्या, ये देख लीजिए टेट्रा फिशेस, टेट्रा नाम है सर, हाँ टेट्रा नाम है इसका, इन मछलियों का टेट्रा नाम है। तो गाइस हम लोग आ चुके अभी बाहर था एग्जिट गेट पीछे का, और यहाँ पे हम लोग आ चुके इधर एग्जिट साइड, देख लो ये है बाहर का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा घूम लिया अंदर भाई, थक गया पूरा। तो गाइस हर एक चीज़ मैं आपको अलग अलग करके नहीं दिखा सकता हर एक चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा है, अगर एक एक चीज़ आपको दिखाने लग जाऊँ तो भाई पूरा दिन निकल जाएगा ऐसे ही, तो इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा है। तो अभी बस यही सब है, देख लो पूरा पीछे का ये सब है पार्क वगैरह, और वहाँ पे आपको दिखा दिया और वहाँ पे दिखा दिया। सो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते हैं अभी कोलकाता कितना दिन रहते हैं और कितना दिन अगर रहते हैं तो कितना कवर कर पाते हैं अपन। तो बस यही था ब्लॉग में, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में,
और यहाँ पे देख लो पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, और इसके अंदर बहुत बहुत सारे कलर्स की मछलियाँ हैं अंदर। वहाँ पे देखो, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो देखो जा रही उधर, बट यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो बस अभी मैं वीडियो का एंड करता हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।